नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2020 का टॉप शॉर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से तैयार करें। ठीक है, 66वीं बीपीएससी के लिए या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होगा उसमें ये महत्वपूर्ण है जो है आपको साबित होगा। इसे अच्छे से तैयार करें दोस्तों। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2020। हमारा पहला पॉइंट है वर्ष 2021 की जनगणना जो है 16 भाषाओं में की जाएगी। ठीक है, वर्ष 2021 की जनगणना कितने भाषाओं में की जाएगी? 16। अगला पॉइंट है 30 साल के बाद असम सरकार के द्वारा नई भूमि नीति 2019 लागू किया गया। सवाल पूछेगा नई भूमि नीति 30 साल के बाद किस राज्य सरकार ने लागू किया? तो असम ने। क्लियर है। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर यूनाइटेड यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन शुरू किया है। किसके साथ मिलकर गृह मंत्रालय ने वायलेंस अगेंस्ट वीमेन यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन शुरू किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर। अगला सवाल, एयर इंडिया ने गुरु नानक देव की 150वीं जयंती पर अपने विमान पर एक ओंकार चिन्ह अंकित किया है। ठीक है, एयर इंडिया ने जो है ओंकार चिन्ह अंकित किया गुरु नानक देव की कैवी जयंती पर 150वीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़कों का निर्माण जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखें वर्ष 2011 माफ करें 2021 की जनगणना 16 भाषा में, 30 साल के बाद असम ने नई भूमि नीति को लागू किया, गृह मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन अभियान को शुरू किया है, एयर इंडिया ने गुरु नानक देव की 150वीं जयंती पर अपने विमान पर एक ओंकार चिन्ह को अंकित किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण जम्मू कश्मीर में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिखर से पुरस्कार नामक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू किया गया। शिखर से पुरस्कार नामक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म संबंधित है किससे? तो जल संरक्षण से। नेक्स्ट पॉइंट है 15 वर्ष से अधिक पुरानी कार पर बिहार सरकार ने रोक लगा दी। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ISA में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 83। नेक्स्ट पॉइंट है 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 35वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है बैंकॉक में। ध्यान रखें 35वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में हुआ है। अगला पॉइंट है 50वां विश्व आर्थिक मंच का आयोजन जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, क्या देखा हम लोगों ने? तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिखर से पुकार नामक एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी किया गया। 15 वर्ष से अधिक पुरानी कार पर बिहार सरकार ने रोक लगा दी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। ISA में कुल सदस्य देशों की संख्या 83 है। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में हुआ और 50वां विश्व आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड में हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है UNFCCC के COP 25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ। COP 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ निर्मल तट अभियान शुरू किया है। सवाल पूछा जा सकता है कि स्वच्छ निर्मल तट अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ध्यान रखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निमोनिया से हो रही मौतों की दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। ये बिहार दरोगा में पूछा गया था इस तरह का एक प्रश्न है। तो ध्यान रखना है, सांस अभियान किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा निमोनिया से हो रही मौतों को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया। अगला पॉइंट है, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? असम सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट है, घर घर रोजगार कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो ध्यान रखें, घर घर रोजगार कार्यक्रम पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी तक देखें, COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ। स्वच्छ निर्मल तट अभियान शुरू किया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। वहीं निमोनिया से हो रही मौतों को कम करने के लिए सांस नामक अभियान शुरू किया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप शुरू किया है असम सरकार ने, और घर घर रोजगार कार्यक्रम पंजाब ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, ट्रांसपेरेंसी इंडिया द्वारा जारी भ्रष्ट राज्य में बिहार का स्थान दूसरा है, जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर पूर्वी पुस्तक मेले का उद्घाटन वेंकैया नायडू जी ने गुवाहाटी में किया है। उत्तर पूर्वी पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखें, वेंकैया नायडू जी ने, और कहाँ पर किया गया? तो गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, विज्ञान समागम 2019 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। विज्ञान समागम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। अगला पॉइंट है, जनजाति महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ। ध्यान रखें, जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में। अगला पॉइंट है, भारत एवं दक्षिण कोरिया ने शिलोंग मेघालय में चौथा अंतर्राष्ट्रीय चेरी बाल्सम उत्सव का आयोजन किया। भारत एवं दक्षिण कोरिया ने कहाँ पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय चेरी बाल्सम उत्सव का आयोजन किया है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ठीक है, यह सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, भारत और किस देश ने शिलोंग में चौथा अंतर्राष्ट्रीय चेरी बाल्सम उत्सव का आयोजन किया? तो ध्यान रखें, भारत और दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, देखिए, इसमें था ट्रांसपेरेंसी इंडिया द्वारा जारी भ्रष्ट रैंकिंग में बिहार दूसरा, राजस्थान पहला, उत्तर पूर्वी पुस्तक मेले का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया गुवाहाटी में। ध्यान रखना है, विज्ञान समागम का उद्घाटन जो है कोलकाता में हुआ, जनजाति महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ, बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा में हुआ, भारत एवं दक्षिण कोरिया ने शिलोंग में जो है चेरी बॉल्सम उत्सव का आयोजन किया है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन केरल में हुआ। वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो केरल में। वहीं वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के सुरंगा बावड़ी को 2020 की विश्व स्मारक की निगरानी सूची में शामिल किया गया। सवाल देखिए कैसे पूछ सकता है, सुरंगा बावड़ी जो है ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखें, कर्नाटक में। ठीक है, वैश्विक विश्व स्मारक की निगरानी सूची में शामिल किसे किया गया? सुरंगा बावड़ी को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले गन्ने से इथेनॉल उत्पादन करने वाले चीनी मिल का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। ठीक है, गन्ने से इथेनॉल उत्पादन करने वाले पहले चीनी मिल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गोरखपुर में। सिसरी पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। सिसरी पुल कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिसरी पुल कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखें, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है केरल में हुआ, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक की सुरंगा बावड़ी को 2020 में वैश्विक विश्व स्मारक की निगरानी सूची में शामिल किया गया, और भारत के पहले गन्ने से इथेनॉल उत्पादन करने वाले चीनी मिल का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। सिसरी पुल जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, दार्जिलिंग के ग्रीन एंड वाइट टी को GI टैग दिया गया है। ठीक है, दार्जिलिंग का जो ग्रीन एंड वाइट टी है इसे GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने मुंबई एवं हैदराबाद को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल किया है। किससे शामिल किया यूनेस्को ने? मुंबई और
हैदराबाद को। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनेगा? भावनगर गुजरात में, ठीक है। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया, किस रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है? तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये है डल झील। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? तो ध्यान रखें, भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा, ठीक है। ज्योति शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। गूगल इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने? तो संजय गुप्ता। ध्यान रखें, संजय गुप्ता गूगल गूगल इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। यूनेस्को ने जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया है। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में बनेगा। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया। डल झील को है इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया। भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा और गूगल इंडिया के प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो कि IMD के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर 2019 का बात कर रहे हैं, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है जबकि भारत का स्थान 59वां है, और वर्ष 2018 में भारत 53वें स्थान पर था। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर जो है नॉर्वे है और भारत का स्थान 133वां है। ध्यान रखें, भारत का स्थान 133 किसमें? अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, पहले स्थान पर नॉर्वे। G20 देशों का शिखर सम्मेलन का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन गोवा में हुआ जिसमें फोकस देश रूस था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, भारत का 59 था 2019 में, और 2018 में जो है भारत 53वें स्थान पर था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग IMD के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान 133वां है। अगला पॉइंट था G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ, और 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन जो है ये हुआ है गोवा में, और इसमें फोकस देश रूस था। अगला देखिए, UAE के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति बने। इस तरह का क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है क्लाइमेट इमरजेंसी को। क्लाइमेट इमरजेंसी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुन लिया है। अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चीन जो है पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान जो है इसमें दूसरा है, ठीक है। सवाल पूछेगा, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाली सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो ध्यान रखें, चीन, और भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद GDP विकास दर 4.5% रहा जो कि पिछले 6 वर्ष में सबसे निचले स्तर पर था। अगला पॉइंट है, भारत ने तमिलनाडु में विद्युत कनेक्टिविटी के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ $451 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है, ठीक है। UAE के राष्ट्रपति बने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी को चुन लिया है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में चीन पहले स्थान पर, भारत का स्थान दूसरा है, और भारत की दूसरी तिमाही में GDP जो है का विकास दर 4.5 रहा जो कि पिछले 6 वर्ष में सबसे कम। भारत ने तमिलनाडु में विद्युत कनेक्टिविटी के लिए ADB के साथ $451 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किया है। एराइज नामक स्टैंडिंग व्हील चेयर का विकास जो है IIT मद्रास के द्वारा किया गया है, एराइज। भारतीय सेना ने हाल ही में लंबी दूरी की स्पाइक मिसाइल, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, स्पाइक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह फायर एंड फॉरगेट के अलावा फायर ऑब्जर्व एंड अपडेट की क्षमता भी
रखता है? यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था, ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। तो ध्यान रखें, स्पाइक जो है ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, इसके अलावा फायर ऑब्जर्व एंड अपडेट की भी क्षमता इसमें है। चीन की मदद से सूडान ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। किसकी मदद से सूडान ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो चीन की मदद से। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु फिलीपींस ने भारत के साथ समझौता किया है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु भारत के साथ किस देश ने समझौता किया है? तो ये देश है फिलीपींस। अगला पॉइंट है, टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश पाकिस्तान बना। ठीक है, एराइज नामक व्हील स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण IIT मद्रास ने किया। भारतीय थल सेना द्वारा स्पाइक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जो कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के अलावा फायर ऑब्जर्व एंड अपडेट की क्षमता भी रखता है। सूडान ने चीन की मदद से पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए फिलीपींस ने भारत के साथ समझौता किया। और टाइफाइड वैक्सीन को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश पाकिस्तान बना। अगला है, IMF के अनुसार गुयाना 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। कौन सा देश बनेगा सबसे तेजी से विकसित करने वाला, वृद्धि करने वाला? तो ये है गुयाना। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यूचर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है सत्या नडेला को। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 सत्या नडेला। युद्धाभ्यास शक्ति का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास शक्ति का आयोजन हुआ, और यह आयोजन राजस्थान में हुआ। ध्यान रखें, युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बनना तो 110% श्योर रहता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, युद्धाभ्यास शक्ति किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान में। युद्धाभ्यास सूर्य किरण का 15वां जो है, 14वां जो है, ये हुआ भारत और नेपाल के बीच, नेपाल में हुआ। सवाल पूछा जाता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच। वहीं समुद्र शक्ति नामक जो है युद्धाभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, जो कि बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। ठीक है, समुद्र शक्ति का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया। अगला युद्धाभ्यास है डस्टलिक युद्धाभ्यास। डस्टलिक युद्धाभ्यास जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, और यह जो है ताशकंद में हुआ है। ठीक है, भारत उज्बेकिस्तान। जायर अल बाहम युद्धाभ्यास हुआ है भारत और कतर के बीच, दोहा में संपन्न हुआ है जायर अल बाहम युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है, सुदर्शन सिंधु सुदर्शन जो है सिंधु सुदर्शन युद्धाभ्यास जो है भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान में किया गया है। वहीं कारपेट 2019 एक नौसेना अभ्यास था, जो कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ है कारपेट। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखें। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष संस्करण 2 जो है ये पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका जारी करने का उद्देश्य है ताकि 100% जो है प्रतिरक्षण प्राप्त किया जा सके। तो ध्यान रखें, सवाल पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष किसने जारी किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। मुख्य लक्ष्य है 100% तक जो है प्रतिरक्षण प्राप्त करना। अगला है, 25 नवंबर 2019 को इसरो के PSLV-C47 से, ध्यान रखें PSLV-C47 से 3 कार्टोसैट और 13 अमेरिकी उपग्रह को लॉन्च किया गया है। 3 कार्टोसैट और 13 अमेरिकी उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C47। अगला पॉइंट है, फीफा अंडर 17 विश्व कप जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो ब्रासिलिया में हुआ है, और इसमें जो है ब्राजील ने जीत हासिल की, फीफा अंडर 17। ठीक है, ब्रासिलिया, ब्रासिलिया से ब्राजील याद रखना है। अगला पॉइंट है, रग्बी विश्व कप 2019 जो है जापान में हुआ, और इसे जीत लिया दक्षिण अफ्रीका ने। रग्बी विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जापान में। रग्बी विश्व कप 2019 को किस देश ने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसे जीता है इंडिया बी ने, इंडिया सी को हरा करके। अगला पॉइंट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित हुई? तो दोहा के कतर में।
ठीक है, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? दोहा कतर। अगला है फीफा रैंकिंग में बेल्जियम जो है पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान 108वां है। ध्यान रखना है फीफा रैंकिंग में पूछ लेगा पहले स्थान पर कौन है तो बेल्जियम, और यदि पूछ ले फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कैवा है तो 108वां। ध्यान रखना है हॉकी कप 2023 का आयोजन अपने देश भारत में होगा। सवाल पूछ लेगा कि भारत में विश्व हॉकी कप का आयोजन कब होगा, तो ध्यान रखें 2030 में। यह सवाल डायरेक्ट ऐसे पूछेगा विश्व हॉकी कप 2030 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो भारत में। ध्यान रखना है T20 में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं दीपक चाहर। ठीक है, दीपक चाहर पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने T20 में हैट्रिक विकेट ले लिया है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मैच में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो ध्यान रखें मैच फिक्सिंग करना ये जो है अपराध घोषित किया गया है श्रीलंका के द्वारा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2019 का ये मिला अच्युथन नंबूदरी को। ठीक है, अच्युथन नंबूदरी जी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये एक मलयालम कवि हैं अच्युथन नंबूदरी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो ये मिला है डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है। वहीं पत्रकारिता का राजा राम मोहन राय पुरस्कार मिला है गुलाब गुलाब कोठारी जी को। ठीक है, अगला है 27वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ध्यान रखें 27वां एकलव्य पुरस्कार मिला है जिहली दला बेहरा को। जिहली दला बेहरे जो हैं बेहरे ये एक वेट लिफ्टर हैं, जिहली दला बेहरा। वहीं अगला है जेसीबी पुरस्कार साहित्य में मिला है विजय माधुरी विजय को। यह है द फार फील्ड की रचना के लिए जेसीबी पुरस्कार माधुरी विजय। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 बाल शांति पुरस्कार 2019 मिला है ग्रेटा थुनबर्ग को एवं डिविना मालोम एवं ग्रेटा थुनबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में राज्यों में पहला स्थान है तमिलनाडु का। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, 28वां बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला है और उपन्यास स्वप्न पाशा के लिए बिहारी पुरस्कार जो है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। नेक्स्ट है भारत का पहला गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ध्यान रखें गुणवत्ता रत्न पुरस्कार मिला है सुरेश कृष्ण को। क्रोएशिया के खिलाड़ी लुका मॉड्रिक को गोल्डन फुट पुरस्कार 2019 मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं लुका मॉड्रिक जिन्हें गोल्डन फुट पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड किसे मिला? सुदर्शन पटनायक को। ध्यान रखें विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, शौचालय दिवस 19 नवंबर। शौचालय दिवस की थीम याद रखें, इसका थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस जो है विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, निमोनिया दिवस 12 नवंबर, मधुमेह दिवस 14 नवंबर और शौचालय दिवस 19 नवंबर। शौचालय दिवस का थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं चित्रेश नटसन। चित्रेश नटसन पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग का खिताब जीत लिया। पुस्तक शांति से स्कूल तक की लेखिका है मणिमाला रॉय। शांति से स्कूल नामक पुस्तक किसने लिखा है? मणिमाला रॉय ने। अगला पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया एग्जाम में, फाइंडिंग द गैप्स के लेखक हैं साइमन टफल। ठीक है, ये एम्पायर हैं फाइंडिंग द गैप्स। नेक्स्ट है एसिडेंटल मैजिक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें केशव गुहा ने एसिडेंटल मैजिक नामक पुस्तक लिखी है। अगली जो पुस्तक है कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन को लिखा है चित्रालेखा जुत्सी ने कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन लिखी है। दोस्तों ये था जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।